टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नमोनारायण मीणा ने नामांकन पत्र भरा। मीणा ने शुभ मुहूर्त को देख करके नामांकन भरा और इसके बाद जनसभा में भाजपा पर जमकर प्रहार किया। जनसभा के दौरान सीएम गहलोत ने टोंक में रेल सेवाओं के वायदे को एक बार फिर दोहराया और सरकार बनते ही टोंक में रेल सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक की जनता को उनकी मांगों और समस्याओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने 3 महीनों का लेखाजोखा जनता के सामने रखा है और उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, लोकसभा चुनाव चेयरमैन डॉक्टर रघु शर्मा, विधायक हरीश मीणा सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल रहे। हम लोग देश भक्त नहीं है या बैठे हुए लोग, क्या देश भक्त होने के लिए जरूरी है ये झंडा बीजेपी का होगा? वहां देशभक्ति होगी ये कहां लिखा हुआ है? इसलिए मैंने कहा इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। अगर लोकतंत्र में यकीन होता तो खुली आजादी थी देशवासियों को, आलोचना कर सकता एमएलए की, एमपी की, मंत्री की, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की। और कोई देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।